तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। आज की वीडियो में तुम कितरेसो सीरीज की टॉप 5 मिस्ट्रीज के बारे में जानोगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं टॉप 5 मिस्ट्रीज एपिसोड के बारे में बताने वाला हूं, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर मिस्ट्रीज को 2 एपिसोड में दिखाया गया है। और हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार AKFC एनिमे पर अपलोड हो रही है। और ये ज़्यादा मज़ेदार इसीलिए भी है कि आप लगभग सारे ही मिस्ट्रीज को जानते ही नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कितरेसो के एपिसोड 180 में, जिसका हिंदी टाइटल कुछ ऐसा होता है, आज हम जाएंगे मिस्टर बेंजो के विलेज। कुछ याद आया? तो 90% लोगों ने ये एपिसोड देख रखा होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो कितरेसो और सभी दोस्त मिस्टर बेंजो के गांव जाते हैं और वहाँ सब अलग अलग घर में रुकते हैं। तो तोंगारी एक घर में अकेले रहता है और सोते वक्त उसे बहुत डर लगता है। और तभी कोरुसु के जैसा रोबोट, जिसने कुछ कपड़े पहने होते हैं, वो उसके पास आता है और तोंगारी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोते रोते सो जाता है। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। तो उसके बाद अगले दिन बूटा गोरिल्ला को भी मिस्टर बेंजो की मॉम बांध देती है। तो वही रोबोट जो कोरुसु के जैसा दिखता है, उसे रस्सियों से भी खोलता है। और उसके बाद एपिसोड में इसको बूटा गोरिल्ला और टोंगारी का भ्रम बता के इसको एंड कर दिया जाता है और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो कितरेसो के सीजन 3 के एक एपिसोड में बूटा गोरिल्ला के अंकल बूटा गोरिल्ला को लड़की समझकर उसके लिए हीना डॉल्स भेजते हैं। तो हीना डॉल्स जापान की ट्रेडिशनल डॉल होती है, जिसे जापान की लड़कियां खास फेस्टिवल में निकालकर इन्हें सजाती है। तो लेट्स बैक टू एपिसोड। तो जब बूटा गोरिल्ला की कितरेसो की टॉर्च की मदद से गलती से छोटा हो जाता है और बड़ा नहीं हो पाता, तब वो हीना डॉल्स टॉर्च से बूटा गोरिल्ला को बड़ा करती है। और इतना ही नहीं, बूटा गोरिल्ला से बातें भी करती है, जो बहुत ही हॉरर और मिस्ट्रियस लग रहा था उस समय मुझे। और इतना ही नहीं, एपिसोड 322 में हीना डॉल्स कोरोसुके पर भी हमला करती है, यानी कि इन्हें 2 बार 2 एपिसोड में दिखाया गया है। और अगर बात करें इनके पावर्स की, तो ये बिना छुए किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं और इनके तीर किसी भी मशीन को ख़राब कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 में। तो कितरेसो के एपिसोड 186 में बूटा गोरिल्ला ट्यूटर रखता है और सबको लगता है कि वो घोस्ट है। और हाँ, सिर्फ लगता ही है, वो घोस्ट नहीं होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शुरू से लेके अंत तक मिस्ट्रियस बनी रहती है, लेकिन क्योंकि उसके पास घर नहीं होता है, इसीलिए वो मिस्टर बेंजो जो अपने घर में जो नहीं रह रहे थे, उनके घर में रहने के लिए जाती है। लेकिन जब एपिसोड के लास्ट पार्ट में उसे उस बेंजो के घर में पकड़ जाता है, तो उससे पहले कितरेसो की घोस्ट अलर्ट बेल बहुत ज़ोर से बजती है। और कितरेसो की घोस्ट अलर्ट बेल एक ऐसी मशीन है जो आसपास घोस्ट रहने पर बजती है, और वहाँ पर कुछ सफ़ेद रंग की रोशनी भी निकलती है, जो कि भूतिया लगता है। और उस बारे में वो ट्यूटर कुछ भी नहीं बता पाती और कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब मैं कितरेसो की सबसे बड़ी अननोन मिस्ट्रियस एपिसोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो कितरेसो अपने डैड के साथ वहाँ पर घूमने जाता है जहाँ पर टेंगू कैद था। कितरेसो वहाँ पहुँचकर टेंगू पासिंग होल यानी कि वो रेड टेप होती है ना, जिससे सब ट्रैवल करते हैं, वो चिपकाता है ताकि बूटा गोरिल्ला, टोंगारी और बाकी सब वहाँ पर आ सके। तो जब कितरेसो वो टेप चिपकाता है, तो वहाँ से कुछ अजीब सी रेस दिखती है। और जब कितरेसो अंदर जाता है, तो वो एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुँच जाता है, और वहाँ पर बूटा गोरिल्ला और टोंगारी एक रस्सी से बंधे होते हैं, और उस रस्सी का दूसरा छोर जाके एक टेंगू को बांध कर रखता है। और इसका मतलब ये कि जब बूटा गोरिल्ला और टोंगारी यहाँ पर आ रहे थे, तब वो इस जगह पर पहुँच गए और उनसे एक रस्सी टूट गई, और वही रस्सी उसे वो बंध गए, और टेंगू का जो कैद था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जिसे किसी भले व्यक्ति ने बांधा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेंगू इंसानों को खाते हैं। जी हाँ, टेंगू इंसानों को खाते हैं। तो इससे कितरेसो बहुत डर जाता है और फिर घर जाता है और अपने सारे रोबोट्स और मेन इन्वेंशन और कितरेसो कोरुसुके और मियोको को लेकर वहाँ पर वापस जाता है। और
उसके बाद वो बूटा गोरिल्ला और टोंगारी को रस्सी से छुड़ा तो लेता है, लेकिन उससे पूरी चेन टूट जाती है और टेंगू आज़ाद हो जाता है। और वो एक बार में ही कितरेसु के सारे इन्वेंशंस को तोड़ देता है, क्योंकि कितरेसु अपने इन्वेंशंस का इस्तेमाल उस पर करता है और टेंगू सारे इन्वेंशंस कितरेसु के तोड़ देता है। और वो मियोको को खाने जा रहा ही होता है, पर तब कितरेसु उसे फॉरगेटेबल कैप पहना देता है और वो सब भूल जाता है और वो अच्छा बनने का वादा कर उड़ चला जाता है। पर इससे कितरेसु के लगभग सारे इन्वेंशंस टूट जाते हैं और ये एपिसोड भी बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह जाता है कि वो टेंगू कौन था, वो टेंगू पासिंग होल में क्यों था और वो उस जगह पे कैद क्यों था। तो अब नंबर वन पर मैं इस मिस्ट्री को रखना तो नहीं चाहता था, बट जब मैंने एपिसोड 305 देखा तो मुझे इसे नंबर वन पर रखना ही पड़ा। तो आपने कितरेसु का एपिसोड 44 यानी कि मियोको के 4D वर्ल्ड में जाने वाला एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मियोको 4D वर्ल्ड में चली जाती है। पर एपिसोड 305 में बूटा गोरिल्ला भी 4D वर्ल्ड में चला जाता है, वहाँ भी वही क्रिएचर रहते हैं पर जगह बिल्कुल अलग रहती है। इस बार वहाँ फूल उगे थे और बूटा गोरिल्ला मरे हुए फेमस लोगों के साथ भी मिलता है। वो अपने दादाजी के ग्रेव के पास घास काट रहा होता है, साफ कर रहा होता है और उसे वहाँ अजीब सा छेद दिखता है, वो उसमें खींचा चला जाता है। और इसमें कितरेसु वापस 4D स्वॉर्ड भी बनाता है और उन क्रिएचर को वापस देखकर भी किसी को एपिसोड 44 के बारे में याद नहीं आता है। और लास्ट में वो सब वापस तो आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह जाता है क्योंकि ये एपिसोड 305 था और कितरेसु 331 एपिसोड में ही ख़त्म हो गया था। तो अगर शायद इसके और ज़्यादा एपिसोड बनते तो इसके ऊपर कितरेसु की ज़रूर एक मूवी भी बनती। तो कितरेसु के सभी एपिसोड को मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि कितरेसु का एक एपिसोड 20 से 25 मिनट का है। तो अगर मैं इन एपिसोड को एक्सप्लेन करने गया तो एक घंटे की वीडियो तो ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि मैं 5 से 6 एपिसोड के बारे में ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर आपको इस एपिसोड का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही कमेंट आए तो मैं कुछ यूट्यूबर से बात करके इन एपिसोड को फैन डबिंग भी दूंगा, यानी कि इसको डब कराऊंगा और उसके बाद आपको प्रोवाइड करूंगा। तो कमेंट करना मत भूलना। तो इस वीडियो में तुम्हें जितनी भी मिस्ट्री के बारे में पता चला वो सभी मिस्ट्री इसी चैनल पर सॉल्व होंगी। तो जो भी यूट्यूबर इसे देख रहे हो प्लीज़ इन्हें सॉल्व करने मत चले जाना। और हाँ, मिस्ट्री सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें कितरेसु की टाइमिंग और उसके एपिसोड के कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करना हो तो तुम इंस्टा पर कितरेसु फैन क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करना होगा और मैं तुम्हें ऐड कर लूँगा, बस इतना ही करना है। तो अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो बनाने में और मिस्ट्री को ढूंढने में मुझे थोड़ी भी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो या फिर तुम सीधा डिसलाइक कर सकते हो। तो अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।